ऑनलाइन लूडो गेम में पिता के रुपए हारने वाले युवक ने खुद के अपहरण की झूठी रच दी। कहानी सर्विलांस की मदद से छानबीन में जुटी एम्स थाने की पुलिस ने युवक को 8 घंटे के भीतर लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से किया बरामद। चेतावनी देकर युवक को स्वजन को सौंपा। 2007 में गोरखपुर के दंगे के मुख्य आरोपी शमीम को कोतवाली पुलिस ने 16 साल बाद किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली अनुराग सिंह ने की पुष्टि। पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभात सिंह की अध्यक्षता में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गीडा में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं को महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध के संबंध में किया गया जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान में 343 करोड़ की 75 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। विश्वकर्मा जयंती की जनपद वासियों को दी शुभकामना। कहा गोरखपुर को साफ व सुंदर बनाए रखने के लिए कूड़ा को डालें कूड़ा गाड़ियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का दिल्ली से बटन दबाकर किया शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारत सरकार के नागरिक व विमानन मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा इस योजना के माध्यम से विश्वकर्मा व राजगीर मिस्त्री को मिलेगा काफी लाभ, रोजगार के लिए आसानी से मिलेगा ऋण। सर्वहारा विकास पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का हुआ गठन। प्रदेश अध्यक्ष बने राजेश निषाद, बस्ती के मंडल अध्यक्ष बने इंद्रेश निषाद। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिव साहनी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मानसरोवर मंदिर स्थित रामलीला मैदान में जनपद की 343 करोड़ की विकास योजनाओं का रामलीला मैदान में लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के लिए यहां के नागरिकों को शुभकामना देता हूं, जो कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर यह सौगात मिल रही है। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी बधाई। इसके साथ ही आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, पूरे प्रदेशवासियों व गोरखपुर वासियों की तरफ से पीएम मोदी को दिन की हार्दिक बधाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास गोरखपुर की पहचान बन गया है। इस विकास की परियोजनाओं में सड़क, जल निकासी भी है, गोरखपुर की गौरव से जुड़ी हुई स्थापना का कार्यक्रम भी है। गोरखपुर बिहार व नेपाल के लिए स्वास्थ्य का केंद्र बन गया है, यहाँ की वायु सेवा पूरे दुनिया में मशहूर है। इस समय 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। आयुष्मान योजना का कार्ड प्राप्त करते हुए सन ऑफ श्री बाके सिंह, प्रधानमंत्री फसल, प्रधानमंत्री आवास एवं कार्यों के साथ करके विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं उद्घाटन बच्चा आदर रंग के चंदन से करते हुए जहाँ जहाँ पानी जमा हो रहा है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं तो सब ठीक हो गई, जहाँ जहाँ जल जमाव बाद छोटी समस्या, गली की समस्या, अनगिनत समस्या, खुद गांव देहात से लोग आए, मानपुर बही लोग आए नहीं, सब लोग सुन लो, 3424 करोड़ का योजना आज पूज्य महाराज जी सौगात के रूप में हर 10-15 दिन में ले जा रहे हो।
के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि कृष्ण शुक्ला जी, महापौर पंकज मुंडे श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रवीण शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सैदानंद राय जी, जिलाध्यक्ष विश्वर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पनंद जैन जी और स्थानीय पार्षद श्री पवन त्रिपाठी जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, महानगर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज विश्वकर्मा जयंती है, आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई। इसके साथ ही आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्मदिन है। पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास की जितने ही उपलब्धियों को छुए हैं, यही कामना यहाँ पर भगवान देवाधिदेव महादेव मानसरोवर के इस पावन मंदिर के प्रांगण में प्रभु श्री राम के इस पवित्र स्थल पर देवाधिदेव महादेव से और प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ। विकास आप गोरखपुर की पहचान बनते हैं। इन विकास की परियोजनाओं में सड़क की परियोजनाएं भी हैं, जल निकासी की परियोजनाएं भी हैं। गोरखपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए गौरव संग्रहालय की स्थापना का कार्यक्रम भी है। इसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और नेपाल के लोगों के लिए स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया है और गोरखपुर की वायु सेवा तो आज दुनिया के अंदर सारी 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। आप सोचिए बारिश हो रही थी, मैं लखनऊ में कार्यक्रम में था, अब गोरखपुर कैसे आना है, लेकिन फ्लाइट चल रही थी, फटाफट में आ गया, ये तो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। हेलीकॉप्टर आई नहीं पा रहा था, वो सब इतना था। यहां पर आपने जब आज इस स्थान पर आज इस रामला मैदान में बिहारी बाग के रामला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था आज से 6 साल पहले, इसी स्थान पर पुष्पचंद जैन जी और राजा बाबू मेरे पास आए थे जब यहाँ पे कब्जा हो रहा था। भाइयों बहनों, आज यहाँ पे देखे सरकार आपकी बनी तो रामला मैदान का एक भव्य मंच और सीजन में कार्यक्रम के लिए यहाँ के विकास को ही एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा। आज गोरखपुर भी कह सकता है हमारे पास यहाँ पर भी और गोरखपुर में भी दो रामला के बेहतरीन मंच बन चुके हैं और रामला मैदान के रूप में गोरखपुर में दो दो स्थान आज के स्थान पर देखने को मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज भी है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। गोरखपुर के आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जितने
भी स्कूल है बेसिक शिक्षा परिषद के, इन सभी बेसिक शिक्षा परिषदों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गोरखपुर नगर निगम मिलकर के इनकी कायाकल्प करने जा रहा है। गोरखपुर के अंदर जितने भी सरकार प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाले बेसिक शिक्षा परिषद के 1 से 8 तक के विद्यालय होंगे, इन सभी विद्यालयों को बेहतरीन बनाकर के हाई क्लास पब्लिक स्कूल की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य इन संस्थाओं में लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है। तो गोरखपुर के हर इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास डिजिटल लाइब्रेरी की बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। कोई मानता था कि गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय काम करेंगे, आज के दिन में 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य फैक्ट्री चीनी मिल के पुनः संचालन करने का कार्य हो या सैजलवा में सैनिक स्कूल के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, भंडारी में सैनिक स्कूल की कार्रवाई और अटल आवासीय विद्यालय गरीब बच्चों के सैजलवा में संचालित हो चुका है, 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे। आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए सरकार पैसा दे रही है, डबल इंजन की सरकार पैसा देने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। गरीबों के लिए आवास की सुविधा, गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों के लिए रसोई गैस की सुविधा, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा, व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड गठन कर इनकम दे 10 लाख रुपए की उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर, ये पहली बार हो रहा है। तो छोटे उद्यमियों को भी 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और इसीलिए एक तरफ सरकार विकास के लिए समर्पित है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो नागरिक कर्तव्य भी हमारा बनता है कि अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें, अपने स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और हमारा संकल्प होना चाहिए हमारे मोहल्ले में कहीं कूड़ा सड़क पे नहीं गिरेगा, नाली में नहीं गिरेगा, डस्टबिन में नहीं डालेंगे, हम उसका नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, कोई सार्वजनिक संपत्ति है उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बन करके, प्रदेश के विकास में बैरियर बन करके विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन रात चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सौदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, उसको फिर यमराज के यहां भेजते जो कोई रोक नहीं पाएगा। और इससे भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून
भी किसी की सुरक्षा पे सेन लगाने का प्रयास न करें। एक तरफ जहां यह आवश्यक है वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यकारी संस्था हो प्रदेश के हित में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानव की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की गुंजाइश को क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं। इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सके इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए, एक सुरक्षित गोरखपुर बनाने के लिए नियम और कानून का पालन करते हुए प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं के लिए पूरे गोरखपुर वासियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक अपराध हिंदू प्रभा सिंह की अध्यक्षता में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गीडा में छात्र छात्राओं को महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया गया। तत्पश्चात हेल्पलाइन नंबर 1090-1930 UP 112-181 व 1076 आदि के संबंध में जागरूक करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गीडा के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समस्या नहीं बता पा रही है तो 1090 पे कॉल करके अपनी समस्या बता सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखी जाती है। ठीक है, बस जो आपको परेशान कर रहा है उसको कॉल करके उसका ठीक किया जाता है और फिर आपसे फीडबैक भी लिया जाता है 15 दिन बाद ट्रेनिंग हफ्ते बाद कि अभी सब 3 महीने तक आपसे फीडबैक लिया जाता है कि आपको परेशान नहीं कर रहा है आपको। ये काफी अच्छी व्यवस्था है जो आप लोगों के लिए बनाई गई है। इसका कोई भी समस्या हो तो इसका आप लाभ उठाएं। ठीक है, 181 जो हेल्पलाइन नंबर है दैट इज फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एंड और सारे नंबर फिल हो जाए तो 112 नंबर है। 112 को बताना तो 112 नंबर अगर कॉल करेंगे आप तो पुलिस तुरंत आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, मैं लड़कियों से इतना कहना चाहूंगी कि आप अपनी समस्याओं को गंभीर होने तक का इंतजार ना करें। ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेज पे भी उसको गंभीर पे था बर्थ सुना है तो फिर उन्हें प्रॉब्लम इज बर्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का दिल्ली से बटन दबाकर शुभारंभ किया जिसका सीधा प्रसारण रेलवे के प्रेक्षागृह में किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के नागरिक विमानन राज्य मंत्री डॉक्टर वी के सिंह ने भाग लिया। जिसके संबंध में भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्री जनरल वी के सिंह ने बताया कि इस योजना के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उनको आसानी से 3 लाख का लोन प्राप्त होगा और लोग अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 सालों में काफी विकास के कार्य किए हैं। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। जनरल वी के सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत जिस तरह विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हुआ है और लगातार विश्व के दूसरे नेता भारत को अपना अगुवा मान रहे हैं वह दिखाता है कि देश को चलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, MLC धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज जितना भी विश्वकर्मा परिवार बा राजमिस्त्री लोगन का परिवार बा उन लोगन के जोन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नए भारत के शिल्पकार जोन आज तोहफा दे वाला बाड़न वो ऐतिहासिक बा। वो क्या है आप लोगन के थोड़ा देर में पता चली स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर से जुड़ी है। सौभाग्य भाई गोरखपुर का पूज्य महाराज जी के धरती पर की स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ठीक बा ना ठीक बा
आज ना जोर से ताली बजाओ। देखिए प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सोच रही है और सोच उनकी ये है कि जो उनकी सरकार है वो गरीबों की है, वंचितों की है, शोषितों की है, किसानों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है, उन सबकी है जो कहीं ना कहीं देश के लिए काम करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा तबका है, ऐसे लोग हैं जिनकी शायद ज्यादा पूछ नहीं होती और वो जिसको हम कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होते हैं, जैसे शिल्पकार है, कलाकार है, राजमिस्त्री है, हमारे कुम्हार हैं, चर्मकार हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको कोई देखता नहीं, जिनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इनकी देखभाल के लिए इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इनको और कैसे अच्छा बनाया जाए, इनके जीवन के अंदर कैसे सुधार आए, तो आज प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अंदर इस पूरे समुदाय को अलग अलग तरीके से कैसे उनका स्किल आगे बढ़े, कैसे उनको और अच्छी चीज सीखने को मिले, कैसे उनको अपना काम करने के लिए बिना सिक्योरिटी का ब्याज मिले और उस ब्याज के जरिए कैसे वो अपने काम को और बढ़ा सकते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्री जनरल वी के सिंह ने कहा, जो आज सौगात विश्वकर्मा योजना के मार्फत मिल रही है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा समुदाय था जिसका किसी ने ध्यान ज्यादा नहीं रखा और सोने पे सुहागा ये कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हम सब लोग उनकी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं, हमारे इस वर्ग को सबको शुभकामनाएं ताकि आगे उन्नति करें, प्रगति करें, देश के अंदर देश की आर्थिक स्थिति के अंदर योगदान। बिल्कुल ये सेवा पखवाड़ा है, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि हम सब लोग मिलकर सेवा करें, उसी से प्रधानमंत्री जी को खुशी मिले। छोटे छोटे कारीगर थे उनको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिल्कुल मुहिम चलाई है, सब तरह की मुहिम जो है वो ऐसे लोगों के लिए। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। ऑनलाइन लूडो गेम में पिता के रुपए हारने वाले युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच दी। मां के पास बेहोशी की स्थिति में बंधक बनाए जाने की फोटो भेजने के साथ 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। सर्विलांस की मदद से छानबीन में जुटी एम्स थाना पुलिस ने युवक को 8 घंटे के भीतर लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गायत्री नगर उचवा में रहने वाले अशोक कुमार परिवहन विभाग में काम करते हैं। शुक्रवार रात 8 बजे अशोक कुमार ने एम्स थाना पुलिस को तहरीर दी कि उनका बेटा दीपांकर जिम जाने के लिए घर से निकला था, उसका अपहरण हो गया है। अपहरण करने वालों ने पत्नी के मोबाइल फोन पर दीपांकर की फोटो भेजी है जिसमें वह बेहोश है। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के साथ ही बेटे के बैंक खाते में भेजने को कह रहे हैं। SP सिटी ने बताया कि एम्स पुलिस ने सर्विलांस की मदद से छानबीन शुरू की तो पता चला कि युवक इस समय बस्ती में है।
पुलिस पहुंची तो पता चला कि बाराबंकी पहुंच गया है। भोर में उसे लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन से बरामद कर लिया गया है। दीपांकर ने बताया कि वह बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। ऑनलाइन लूडो गेम में खेलने में उसने पिता के खाते से करीब 3 लाख रुपए निकाल लिए, जिसे हार गया। दीपांकर को पिता के खाते का नंबर व एटीएम कार्ड का पिन नंबर पता था। रुपए की भरपाई करने के लिए उसने अपहरण की झूठी कहानी रच 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। एसपी सिटी ने बताया कि चेतावनी देकर युवक को सोजन के साथ भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर के थाना एम्स के थाना प्रभारी को कल रात्रि देर रात्रि 1 बजे के आसपास सूचना मिली कि उनके घर का एक लड़का जो 19 वर्षीय है वो जिम गया था और उसके बाद में अभी तक वापस नहीं आया है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी दर्ज की और उसको ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगालने शुरू किए। इतनी देर में पता चला कि उस लड़के ने उनके घर के सदस्यों के मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपके बेटे का अपहरण कर लिया गया है और 5 लाख रुपये आप इस अकाउंट में, बेटे के ही अकाउंट में भेज दीजिए आप, और उसमें उस बेटे का बेहोशी का एक फोटो भी भेजा गया। इस पर पुलिस ने और सख्ती से इसको निपटने का प्रयास करने के लिए इन्होंने तुरंत यहाँ से एक टीम उनकी लोकेशन के आधार पर लखनऊ के लिए रवाना की। प्रातःकाल तक उस लड़के को ऐशबाग रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया। बरामदगी के बाद में पूछताछ की गई तो पूछताछ से पता चला कि ये लड़का जिसने अपने घर को घर के लोगों को मैसेज भेजा था 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए, वो कोई अन्य नहीं बल्कि खुद ही स्वयं उसने अपने घर वालों से 5 लाख रुपए ऐंठने के लिए ये पूरा घटना रची थी। यह लड़का लूडो के ऑनलाइन गेमिंग में इसने करीबन 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी डुबो दिए थे और वह उन पैसों की भरपाई करने के लिए जो इसने अपने पिताजी के अकाउंट से बोरो किए थे उसी के लिए ये 5 लाख रुपए उधार लेना चाहता था, जिनमें से 2.5 लाख रुपए देने और उसके बाद में हो सकता है प्रॉब्ली अपना गेम को कंटिन्यू करने के एवज में ताकि और रुपए जीत सकें। इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग के जो फ्रॉड्स हैं, इन सब फ्रॉड से जितने भी युवा हैं उन सबको बच के रहना चाहिए। इन्होंने मात्र पिछले 15 दिन के अंदर 2.5 लाख रुपये खोए हैं। शुरू के कुछ दिनों में लत लगाने के लिए आपको 10,000 रुपये या 5,000 रुपये के बदले 18,000 से 20,000 रुपये जीतने का लालच इस गेमिंग के माध्यम से दिया जाता है और बाद में धीरे 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 आप लोग इसमें हारने लगते हैं और उसका कोई अंत नहीं है कि आप कितने रुपये हार सकते हैं। इसलिए सभी युवाओं और सभी पेरेंट्स से भी ये अनुरोध है कि आप ध्यान रखें अपने बच्चों को किस प्रकार के गेम खेल रहे हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। 2007 में गोरखपुर के दंगे के मुख्य आरोपी शमीम को कोतवाली पुलिस ने 16 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। शमीम ने छोटे से विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 16 अगस्त 2007 को कोर्ट से जमानत लेने के बाद वह फरार हो गया था। गोरखपुर में हुए इसी दंगे के बाद तत्कालीन सांसद व वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल में गुजारना पड़ा था। आपको बता दें आरोपी शमीम कोर्ट से जमानत पाने के बाद फरार हो गया था और तभी से फरार था। फरार होने के दौरान वह चेन्नई में छिपा था। करीब 6 महीने पहले वह गोरखपुर लौट आया। एसपी सिटी ने पुराने NBW की समीक्षा की तो इस दौरान आरोपी के फरार होने की जानकारी हुई और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CO कोतवाली अनुराग सिंह ने कहा, गोरखपुर में कोतवाली क्षेत्र में एक घटना हुई थी 2007 में, इसमें एक राजकुमार अग्रेरी का डेथ हो गया था। उसमें मुकदमा लिखा गया था, इसमें 2 अभियुक्त वांछित थे, एक शफीकुल्ला और उनके बेटा मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम ने अपनी बेल करा ली थी 16/8/2007 को ही। उसके बाद में 2012 में इसमें जजमेंट आया था जिसमें दोनों को ही आजीवन कारावास दिया गया था। शफीकुल्ला तो ऑलरेडी जेल में थे बट मोहम्मद शमीम फरार हो गया था। उसको हमने 11 तारीख को तिवारीपुर थाना क्षेत्र से हमने गिरफ्तार किया है। उस पर NBW और BIC की कार्रवाई की जा चुकी थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है, 16 साल बाद में हमने उसको गिरफ्तार किया है जब हमें जानकारी मिली है उस आधार पर। और ये पुलिसकर्मी जो भी हमारे थाना क्षेत्र के थे जिन्होंने इसमें टीम लग के कार्रवाई की है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कैसे मुमकिन हो पाया, चूँकि अब 16 साल बाद बता रहे हैं आप इसकी गिरफ्तारी हुई है, तो इसके पहले कहाँ था, क्या कुछ इसका इन्वॉल्वमेंट रहा इतने दिनों तक, की जानकारी मिल पाई? अभी उससे पूछताछ में ये पता चला है कि ये जब फरार होने के यहाँ से बेल लेने के बाद में चेन्नई चला गया था। इसके पास में उस टाइम पे कोई इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क नहीं होते थे जिसकी वजह से हमें कोई जानकारी नहीं हो पाई थी, बट यहाँ आने के बाद में ये वापस अपने फैमिली के
मकान में ना रहकर किराए के मकान पर रह रहा था, तो ये इसलिए हमें तस्दीक होने में थोड़ा टाइम लग गया। बट अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। सर्वहारा विकास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिव साहनी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सर्वहारा विकास पार्टी एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद में आस्था रखने वाली पार्टी है, समतामूलक समाज के निर्माण में विश्वास रखती है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर के सिद्धांत को अपनाकर शोषित, वंचित, श्रमिक, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं एवं युवाओं के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराने के लिए हेतु दृढ़ संकल्पित रहना है। सर्वहारा विकास पार्टी समाज के खासकर श्रमिक एवं शोषित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD कर्णधार के निर्देश पर राजेश निषाद को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाता है। इसके अलावा रमेश निषाद मंडल अध्यक्ष बस्ती, इंद्रेश निषाद मंडल अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ गोरखपुर, अरविंद निषाद संतकबीरनगर व चंद्र प्रकाश निषाद को जिला अध्यक्ष बस्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमें आशा है कि ये लोग पार्टी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर रामरति नायक, मेवालाल, रामविलास, राजकुमार भारती, अरुण राहुल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सर्वहारा विकास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिव साहनी ने कहा, एक साल पहले पार्टी का गठन हो चुका है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया कि प्रदेश के कुछ जिम्मेदार पदों पे जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। उसके तहत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे श्री राजेश निषाद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए श्री दिनेश निषाद जी, प्रदेश संगठन मंत्री के लिए श्री ज्ञान प्रकाश निषाद जी, बस्ती मंडल अध्यक्ष के तौर पे श्री रमेश निषाद जी, संत कबीरनगर जिलाध्यक्ष के तौर पे श्री अरविंद निषाद जी, बस्ती जिलाध्यक्ष के तौर पे श्री चंद्र प्रकाश निषाद जी सहित तमाम साथी आज पार्टी की नीतियों, पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के आज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज जिम्मेदारी ले रहे हैं और निरंतर पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता अपनी जाहिर की। 2024 चुनाव में भी क्या पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारी थी? जी, 2024 में लोकसभा चुनाव पार्टी मजबूती से लड़ाने का निर्णय लिया है। उसके तहत हम लोग कुछ लोकसभा सीटों को चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ हम प्रथम चरण में हम लोग संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पार्टी का जैसा कि नाम है सर्वहारा विकास पार्टी, सर्वहारा का मतलब यह है कि श्रमजीवी, शोषित, वंचित वर्ग, जो श्रम शक्ति से अर्जित करने वाला ऐसा तबका जो आज भी सामाजिक न्याय के लिए वंचित है, उसके विकास के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है और उस विचारधारा को, उस मिशन को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है। शिव साहनी, पार्टी संस्थापक, राष्ट्रीय